हॉटस्टार की एक और आधी पकी हुई वेब सीरीज। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज का नाम है झांसी। ये एक तेलुगु वेब सीरीज है जो हिंदी में डब्ड होकर इसी वीक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। सीरीज में मेन लीड में अंजलि हैं और सिर्फ अंजलि ही हैं। बीच में इक्का दुक्का सहायक कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी पूरी कोशिश की है। सीरीज की शुरुआत एक फुल ऑन एक्शन पैक सीन से होती है जहां पे झांसी एक गुंडे के साथ लड़ती हुई एक पानी के झरने से नीचे गिर जाती है। यहां से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है सीधा 5 साल बाद का, जहां पे झांसी अपने पति और एक बच्ची के साथ बढ़िया जीवन बिता रही है। उसका एक शानदार बुटीक भी है और उसका एमनीशिया का इलाज चल रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो अपने पास्ट की सारी बातें ऑलमोस्ट भूल चुकी है। अब यहाँ से कहानी एक बढ़िया एंगल ले लेती है और झांसी हमें लग जाता है कि अपने इतिहास के पन्ने खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितना सब मैं आपको बता रहा हूँ उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें झांसी को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें उसके साथ साथ उसका एक इंस्पेक्टर भी पूरा साथ देता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं। सीरीज को डायरेक्ट किया है थिरू ने, जिसमें उन्होंने वही रूटीन एक्शन थ्रिलर डालने की कोशिश की है। सीरीज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला भी डाला है। सीरीज की कहानी बहुत ही कमज़ोर है। एक एक्शन थ्रिलर की कहानी कुछ यूं होनी चाहिए कि आपको अगले सीन का भी पता ना हो, लेकिन यहाँ तो पहले एपिसोड को देखने के बाद ही ऑलमोस्ट पूरी सीरीज की कहानी खुलकर धीरे धीरे सामने आ जाती है। कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया है सिवाय झांसी के कैरेक्टर के। एक अकेली वही है जिसे सब कुछ पता भी है और वो सब कुछ कर भी सकती है, बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं। और आधी से ज़्यादा सीरीज में तो उनको सिर्फ जॉगिंग करते हुए ही दिखाया गया है। हर 2 सीन के बाद उनका एक जॉगिंग का सीन डाल दिया गया है। एडिटिंग में भी काफ़ी खामियां हैं जो सीरीज़ के दूसरे या तीसरे एपिसोड के बाद सामने आने लग जाती हैं। सीरीज़ का अंत भी क्लिफहैंगर पे कर दिया गया है कि दर्शकों को अब इसका नेक्स्ट सीजन देखने के लिए उत्सुकता बनी रहे। ओवरऑल अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको ये सीरीज़ देखने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।